हेलो गाइस, आप लोग थंबनेल देख करके ही इस वीडियो को प्ले किए हैं। तो जो भी थंबनेल में लिखा हुआ है वो उन लोगों के लिए है जो क्वेश्चन के आंसर नहीं दे पाएंगे, और हाँ, जो मेडिकल स्ट्रीम के नहीं है और वो अगर वीडियो को प्ले कर चुके हैं तो भैया एक्सट्रीमली सॉरी, बट इस वीडियो के क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे। फिर भी अगर आपको जानना है तो आप इस वीडियो को पूरा देख लीजिए। अब बात रही मेडिकल वालों की, तो सुनिए, 12 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के बाद 15 सेकंड का टाइम है, ठीक है। हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का है, साथ ही साथ 1 मार्क नेगेटिव का भी है। दैट मीन्स अगर आप ऑब्टेन किए 10 मार्क्स और एक क्वेश्चन उसके बाद अगर आपको गलत चला गया तो उसमें से 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा, ठीक है। सो गाइज, गेट रेडी फॉर दिस। इट्स मी रितिक, यू आर वॉचिंग नीट रनर। आप अगर इस चैनल पर नए हैं तो जल्दी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन के बटन को भी धीरे से दबा ही दीजिए, और अपने मार्क्स ऑब्टेन जो किया है उसे नीचे कमेंट बॉक्स में भी दे दीजिए। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। जितना भी क्वेश्चन है ज्यादातर इसी तरह से है, करेक्ट स्टेटमेंट और इनकरेक्ट स्टेटमेंट, जो कि सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन होता है जिसमें सबसे ज्यादा नेगेटिव जाता है। तो सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट सबसे पहला क्वेश्चन में है, फ्रैंकलिन स्टाइल क्वाइंड द टर्म लिंकेज। क्या फ्रैंकलिन स्टाइल टर्म लिंकेज को क्वाइन किया था? उसके बाद है, प्यूनिट स्क्वायर वॉज डेवलप बाय द ब्रिटिश साइंटिस्ट। तीसरा है, स्प्लाइसियोजोम टेक पार्ट इन द ट्रांसलेशन। और चौथा है, ट्रांसडक्शन वॉज डिस्कवर्ड बाय एस आर्टमैन। तो इसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट है? आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बता दीजिए। सबसे पहला है, फ्रैंकलिन स्टाइल क्वाइंड द टर्म लिंकेज। दूसरा, प्यूनिट स्क्वायर वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। तीसरा, स्प्लाइसियोजोम टेक्स पार्ट इन द ट्रांसलेशन। एंड चौथा, फोर्थ वन इज, ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस आल्टमैन। तो इसमें सही आंसर होगा बी, प्यूनिट स्क्वायर वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट। सबसे पहला जो ये फ्रैंकलिन स्टाइल जो है, तो फ्रैंकलिन स्टाइल और साथ ही साथ मैथ्यू मेसेलसन, ये दोनों मिल करके एक टर्म दिए थे जिसका नाम था सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ठीक है। और ये जो लिंकेज टर्म है ये किसने क्वाइन किया था? तो ये लिंकेज टर्म दिया गया है टीएच मॉर्गन के द्वारा, तो ये तो सीधा गलत हो गया, ठीक है। प्यूनिट स्क्वायर वॉज डिस्कवर्ड बाय ब्रिटिश साइंटिस्ट, ये सही है। ब्रिटिश साइंटिस्ट का नाम क्या था? रेगिनल्ड सी प्यूनिट, ठीक है। नाम क्या था? रेगी नल्ड सी प्यूनिट, ठीक है। उन्हीं के नाम पे प्यूनिट स्क्वायर रखा गया इसका नाम, ठीक है। इसके बाद स्प्लाइसियोजोम टेक पार्ट इन ट्रांसलेशन, ये तो एकदम गलत है। स्प्लाइसियोजोम जो वो है वो पास्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज इन यूकैरियोट्स है, ठीक है। स्प्लाइसियोजोम का फॉर्मेशन कब होता है? तो वो जो पास्ट ट्रांसक्रिप्शनल चेंज इन यूकैरियोट्स, मतलब आप समझ रहे होंगे कि ट्रू सेल्स जो होता है, ट्रू न्यूक्लियस वाला जो सेल्स होता है उसमें जो ट्रांसक्रिप्शन होता है, तो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शन यानी ट्रांसक्रिप्शन होने के बाद जो फॉर्मेशन होता है वो है स्प्लाइसियोजोम, ठीक है। साथ ही साथ ट्रांसडक्शन वाज डिस्कवर्ड बाय एस आर्टमैन, ये एकदम गलत है। एस आर्टमैन ने उसका डिस्कवर किया था जोशुआ लेडरबर्ग एंड नॉर्टन जिंडर ने, तो ये दोनों मिलकर के ये ट्रांसडक्शन टर्म को इंट्रोड्यूस किए थे। कौन कौन? तो जोशुआ लेडरबर्ग एंड नॉर्टन जिंडर, ठीक है। तो देखिए, इसमें एक क्वेश्चन से आपको 3-4 टर्म आपको समझ में आया। इसका मैंने ऐसा क्वेश्चन रखा है ताकि अगर एक भी क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसमें से 4 टर्म क्लियर हो रहा है। सबसे पहला लिंकेज किसने दिया? तो टीएच मॉर्गन ने दिया है, ठीक है, टीएच मॉर्गन। दूसरा, जो ब्रिटिश साइंटिस्ट थे उनका नाम क्या है? तो रेगिनल्ड सी प्यूनेट है, ठीक है। चौथा, स्प्लाइसियोजोम जो है वो कौन सा प्रोसेस में यूज किया गया? तो वो पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल प्रोसेस है जो कि यूकैरियोट्स में होता है, ठीक है। ट्रांसडक्शन जो टर्म है वो किसने दिया? तो जोशुआ लेडरबर्ग और नॉर्टन जिंडर ने। तो फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। द एक्सपेरिमेंटल प्रूफ ऑफ सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए वाज फर्स्ट सोन इन। तो जो ये टर्म दिए थे ये फ्रैंकलिन स्टाल और मैथ्यू मिशेलसन दोनों जो मिलकर के, ये किसने दिया? फ्रैंकलिन स्टाल एंड मैथ्यू मिशेलसन, मैथ्यू मेथलसन। तो ये दोनों मिलकर के ये टर्म दिए थे, सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। तो इसमें सबसे पहले किस चीज का यूज किया गया था? फंगस का यूज किया गया था, बैक्टीरिया का यूज किया गया था, प्लांट का यूज किया गया था या वायरस का यूज किया गया था? तो जो एक्सपेरिमेंट था सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो इसमें सबसे पहले किस चीज का यूज किया गया था? फंगस का यूज किया गया था या बैक्टीरियम का यूज किया गया था या प्लांट का या वायरस का? तो इसका भी सही ऑप्शन हो जाएगा बी, ठीक है। तो जो ये फ्रैंकलिन स्टाल और मैथ्यू मिशेलसन जो ये मेथड दिए थे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, तो इसे सबसे पहले उन्होंने यूज किया था इस्ट्रेसिया कोलाई का, ठीक है। और ये टर्म कब दिया गया था? 1958 में।
यानी जो ये सेमी कंजर्वेटिव मेथड ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए जो है वो कब दिया गया, 1958 में, किसके द्वारा दिया गया, फ्रैंकलिन स्टाल एंड मैथ्यू मेसेलसन के द्वारा, किस चीज पे यूज किया गया था सबसे पहले, तो बैक्टीरियम पे, बैक्टीरियम कौन सा था, तो इस्ट्रेशिया कोलाई, ठीक है, इकोलाई। ज्यादातर बायोटेक्नोलॉजी में इसी का यूज किया गया है, बायोलॉजी में अभी तक जो नीट के सिलेबस तक का है उसमें ज्यादातर यही बैक्टीरियम के बारे में देखा गया है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड आता है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज रॉन्गली मैच्ड, अब इसमें से कौन सा पेयर है जो रॉन्ग मैच किया गया है, सबसे पहला स्टार्ट सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिस है, ठीक है, एवीओ ब्लड ग्रुपिंग को डोमिनेंस और एक्सो टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इन ग्रास हॉपर और टीएच मॉर्गन गिव द टर्म लिंकेज, कौन सा है जो इनकॉरेक्ट इसमें है। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, जल्दी से बताइए, स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलील्स, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, कोडोमिनेंस, एक्सओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन, ग्रास हॉपर और टीएच मॉर्गन गिव द टर्म लिंकेज, विच वन इज रॉन्ग। तो इसमें रॉन्ग टर्म जो है वो हो जाएगा स्टार्च सिंथेसिस इन पी मल्टीपल एलिलिज्म, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे नीचे से हम लोग देखना शुरू करते हैं, जो टीएच मॉर्गन है, तो ये इसके पहले मैंने यहाँ पे ही क्लियर कर दिया कि टीएच मॉर्गन ने ही टर्म दिया है लिंकेज, ठीक है। एक्सओ सेक्स डिटर्मिनेशन टाइप ग्रास हॉपर में ही है, जैसे अगर ह्यूमन में जो एक्स बाई है उसके जगह पर बाई के जगह पर कुछ भी नहीं है तो इसको बोला जाता है एक्सओ टाइप सेक्स डिटर्मिनेशन। एबीओ ब्लड ग्रुप को डोमिनेंस, हाँ देखिए को डोमिनेंस भी होता है कंप्लीट डोमिनेंस, जब एबी ब्लड ग्रुप आ जाता है तो आई ए और आई बी दोनों रहता है और दोनों एक दूसरे के ऊपर कंप्लीटली डोमिनेंट रहता है, दोनों अपना ग्रुपिंग दिखाता है कि हम ए बी के हैं, ठीक है। और साथ ही साथ यहाँ पे जो स्टार्च सिंथेसिस है तो ये नहीं होता है, द जीन फॉर स्टार्च सिंथेसिस इन पी सीड कैन प्रोड्यूस मोर देन वन इफेक्ट विच इम्प्लाइज द प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। तो जो ये जो जीन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो क्या करता है कि एक ही टाइम में बहुत सारा इफेक्ट दिखाता है जिसके कारण इसको प्लियोट्रॉपिक जीन कहते हैं, ये मल्टीपल एलील नहीं होगा, यहाँ पे प्लियोट्रॉपिक जीन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है। तो ये प्लियोट्रॉपिक वर्ड कौन सा है, तो ग्रीक वर्ड है, ज्यादातर ग्रीक वर्ड्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अब प्लियो मतलब क्या होता है, तो प्लियो मतलब मेनी होगा और ट्रॉपिक मतलब क्या होता है, अफेक्टिंग, ट्रॉपिक मतलब अफेक्टिंग, दैट मीन्स वैसा जीन, प्लियोट्रॉपिक शब्द अब आप लोगों को क्लियर हो जाएगा कि प्लियोट्रॉपिक किसको कहते हैं, तो वैसा जीन जो एक ही साथ मल्टीपल एलील को, बहुत सारे कैरेक्टर्स को अफेक्ट कर रहा है, तो उसको बोलते हैं मल्टीपल एलील प्लियोट्रॉपिक जीन, उस जीन को कहेंगे प्लियोट्रॉपिक जीन, ठीक है, और वही रिस्पॉन्सिबल होता है स्टार्च सिंथेसिस के लिए। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर न्यूक्लियोलस, यानी न्यूक्लियोलस टर्म के लिए कौन सा ऐसा है जो कि सही स्टेटमेंट यहाँ पे दिया गया। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, लार्जर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल, क्या डिवाइडिंग सेल में लार्जर न्यूक्लियाई रहता है, ठीक है। दूसरा है इट इज द मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, ये एक मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर, दैट मीन्स इस तरह से अगर न्यूक्लियोलस है तो इसके साइड साइड में मेम्ब्रेन एक होगा इसको बाउंड करके, ठीक है। इट टेक पार्ट इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, ये स्पिंडल फॉर्मेशन में टेक पार्ट करता है, क्या ये सही है। इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, ये क्या साइट है जहां पे राइबोसोम का सिंथेसिस होता है। तो इसमें से इस चारों में से कौन सा न्यूक्लियोलस के लिए सही है, न्यूक्लियोलस टर्म के लिए कौन सा सही है। आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, आप जल्दी से बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी। तो सबसे पहला क्या बोल रहा है कि लार्जर न्यूक्लियाई इज प्रेजेंट इन द डिवाइडिंग सेल, कोई जरूरी है कि न्यूक्लियाई लार्ज होगा, क्या होता है अगर कोई सेल डिवाइड करता है तो उसका न्यूक्लियस इनलार्ज होता है, साथ साथ उसके बाद ब्रेक करता है, इसके अंदर न्यूक्लियोलस होता है, क्या वो डिवाइड होता है, नहीं होता है, ठीक है। इट इज अ मेम्ब्रेन बॉन्डेड स्ट्रक्चर, न्यूक्लियोलस जो इसके अंदर होता है, ये न्यूक्लियस माने कि हाँ एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बॉन्डेड रहता है, न्यूक्लियोलस कभी भी कोई मेम्ब्रेन से बॉन्डेड नहीं होता है। इट टेक पार्ट इन द स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन में भी इट टेक पार्ट नहीं लेता है, ठीक है। साथ साथ इट इज अ साइट फॉर द एक्टिव राइबोसोमल आरएनए सिंथेसिस, हाँ यहाँ पे जो राइबोसोम का जो सिंथेसिस होता है वो यही न्यूक्लियोलस के अंदर ही होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है What type of the ecological pyramid would be obtained with the following data? जो नीचे डाटा दिया गया है उसके द्वारा आप कौन सा इकोलॉजिकल पिरामिड का फॉर्मेशन कर सकते हैं। सबसे पहला सेकेंडरी कंज्यूमर जो है वो 120 ग्राम है, ठीक है, प्राइमरी कंज्यूमर जो है वो 60 ग्राम है और प्राइमरी प्रोड्यूसर जो है 10 ग्राम है। तो इसमें से ऑप्शन दिया हुआ है इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, दूसरा ऑप्शन है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर, तीसरा ऑप्शन है पिरामिड ऑफ एनर्जी और चौथा ऑप्शन है अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास। इसके लिए भी आपके पास 15 सेकंड का टाइम है, इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास, अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर्स, पिरामिड ऑफ एनर्जी, अपराइट पिरामिड ऑफ बायोमास, कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसका ऑप्शन सही होगा इन्वर्टेड पिरामिड ऑफ बायोमास।
आप जानते हैं कि पिरामिड किस तरह से रहता है, इस तरह से रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे हम देखते हैं बायोमास, बायोमास दैट मीन्स कंज्यूम, जो इनर्जी कंज्यूम हो रहा है, तो इसमें क्या बोल रहा है कि सबसे पहला जो सेकेंडरी कंज्यूमर है उसके पास 120 ग्राम है, ठीक है, और उसके जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसके पास 60 ग्राम है, प्रोड्यूसर जो है वो 10 ग्राम है, तो इन्वर्टेड बोल रहा है, तो नीचे से, ठीक है। यहाँ पे से देखिए धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, सबसे पहले प्रोड्यूस होगा तभी तो आगे बढ़ेगा, तो देखिए प्रोड्यूसर जो है उसके पास मात्र 10 ग्राम है एनर्जी, जो प्राइमरी कंज्यूमर है उसके पास 60 ग्राम हुआ, वो 6 मान लीजिए खाया, ये जो जो भी फाइटोप्लैंक्टन हुआ जो भी है, मान लीजिए कुछ भी ग्रास है, ठीक है, ग्रास को खाया तो 60 ग्राम इसके पास एनर्जी हुआ। मान लीजिए ये रैबिट था, ये रैबिट 60 ग्राम खाया तो दो रैबिट को एक स्नेक खाया, तो स्नेक जो सेकेंडरी कंज्यूमर हुआ उसके पास कितना एनर्जी आया, 120 ग्राम बायोमास आया, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन जो है सिक्स्थ क्वेश्चन, द करेक्ट ऑर्डर ऑफ अ स्टेप ऑफ पॉलीमराइजेशन चेन रिएक्शन, यानी पीसीआर चेन रिएक्शन में कौन कौन सा स्टेप जो है किस तरह से लिखा हुआ करेक्ट है, कौन सा इसमें जो लिखा हुआ स्टेप जो है वो करेक्ट है स्टेप वाइज। तो सबसे पहला एक्सटेंशन डीनेचुरेशन एनीलिंग, उसके बाद है एनीलिंग एक्सटेंशन डीनेचुरेशन, उसके बाद डीनेचुरेशन एक्सटेंशन एंड एनीलिंग, उसके बाद फिर डीनेचुरेशन एनीलिंग एंड एक्सटेंशन, इसमें से कौन सा स्टेप सही है, यानी पहले ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, उसके बाद ये होना चाहिए, पीसीआर के लिए, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के लिए, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन के लिए इसका कौन सा ऑप्शन सही होगा, कौन सा सही होगा जल्दी बताइए। तो इसका ऑप्शन सही होगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सबसे पहले क्या होता है कि डीनेचुरेशन होता है, तो इसको हीट शॉक दे करके जो टारगेट डीएनए होता है, टारगेट डीएनए को हीट शॉक दे करके क्या किया जाता है कि आपस का जो स्ट्रैंड जो इस तरह से बना हुआ रहता है उसको अनवाइंड किया जाता है, दैट मीन्स दोनों स्ट्रैंड को सेपरेट किया जाता है। उसके बाद एनीलिंग किया जाता है, तो एनीलिंग में क्या किया जाता है कि टैक डीएनए को लेकर के, टैक डीएनए आपको याद होगा कि टैक डीएनए किस चीज से ऑब्टेन किया जाता है, जल्दी से कमेंट में उसे लिख दीजिए, टैक डीएनए किस चीज से ऑब्टेन किया जाता है, जो लोग जानते हैं जल्दी से कमेंट में लिखिए। तो टैक डीएनए ऑप्टेन किया जाता है किससे, थर्मस एक्वेटिकस से, थर्मस एक्वेटिकस, क्या आप लोग सही थे। तो टैक डीएनए जो ऑप्टेन किया गया वो थर्मस एक्वेटिकस से, एक्वेटिकस से किया गया, ठीक है। तो इसके द्वारा क्या किया जाता है, अनिलिंग किया जाता है, उसके बाद फिर पॉलीमराइज रिएक्शन करवा करके इसका बहुत सारा एक्सटेंशन कर दिया जाता है, और इसी तरह से क्या होता है कि पॉलीमराइज चेन रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है। 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, अब इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। तो सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है, ओव्यूल आर नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी बाल इन जिम्नोस्पर्म, क्या है, ओव्यूल जो है वो नॉट इनक्लोज्ड बाय ओवरी बाल इन जिम्नोस्पर्म, ठीक है। दूसरा है सिलेंजिनेला हेट्रोस्पोर इज हेट्रोस्पोरस बाय सेल्वेनिया इज होमोस्पोरस, सिलेंजिनेला हेट्रोस्पोरस है और सेल्वेनिया होमोस्पोरस है। तीसरा हॉस्टेल जिसको इकोसिस्टम कहते हैं ये एक जिम्नोस्पर्म है, क्या ये सही है। और चौथा जो है स्टेम इज यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, दोनों साइकस और सेड्रस में जो स्टेम होता है अनब्रांच्ड होता है। आपके पास फिर से 10 सेकंड का टाइम है, बताइए कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो देखिए सबसे पहला जो नीचे से देखना शुरू करते हैं, स्टेम इज यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सेड्रस, तो देखिए साइकस और सेड्रस दोनों में ये अनब्रांच नहीं होता है, ये दोनों में ही अनब्रांच नहीं, एक में ब्रांच रहता है, साइकस में जो रहेगा उसमें ब्रांच रहेगा, ठीक है, और सेड्रस में अनब्रांच रहता है। ये हॉस्टेल जो है वो जिम्नोस्पर्म नहीं है, ये टेरिडोफाइट्स है, टेरिडोफाइट्स, ठीक है। और सिलेंजिनेला एंड साल्वेनिया दोनों के दोनों ही हेट्रोस्पोरस है, दोनों एक माइक्रो गैमेट प्रोड्यूस करता है और दूसरा माइक्रो, ठीक है, एक छोटा और एक बड़ा गैमेट प्रोड्यूस करता है। लेकिन ओव्यूल क्या, जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है, नेक्ड सीड, और यहां पे देखिए नॉट लिखा हुआ है, यानी ओव्यूल नॉट इनक्लोज, यानी ओव्यूल के ऊपर जो क्लोज था कुछ चीज के द्वारा ये नहीं है, दैट मीन्स ये क्या फिर से नेक्ड हो गया, तो दैट मीन्स ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। फिर देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है, सिलेक्ट द रॉन्ग स्टेटमेंट, इसमें आप देखिए रॉन्ग स्टेटमेंट सिलेक्ट करना है। तो सेल वॉल इज प्रेजेंट इन मेम्ब्रेन ऑफ फंजाई एंड प्लांटी, इसके बाद मशरूम बिलोंग टू वेसिडोमाइसिटीज, और फिर तीसरा सी नंबर ऑप्शन हो जाएगा, सीडोपोडिया आर लोकोमोटरी एंड फीडिंग स्ट्रक्चर और माइटोकॉन्ड्रिया आर पावर हाउस ऑफ द सेल ऑफ ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, कौन सा इसका ऑप्शन होगा जो गलत होगा इसमें से, ए बी और सी। सेल वॉल फंजाई और प्लांटी दोनों में ही प्रेजेंट रहता है, ठीक है। मशरूम जो है वो बैसिडोमाइसिटीज से ही बिलोंग करेगा, लेकिन ये जो ऑप्शन नंबर सी है वो क्या है, सूडोपोडिया और लोकोमोट्री एंड फीडिंग स्ट्रक्चर इन स्पोरोजोन्स, स्पोरोजोन्स का ये क्या लोकोमोट्री और फीडिंग स्ट्रक्चर होता है, तो नहीं, ये एमीबॉइड और जो प्रोटोजोन्स होता है उसके लिए ये लोकोमोट्री और
फीडिंग स्ट्रक्चर, दैट मीन्स अमीवा के लिए और पैरामीशियम्स के लिए, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ द सेल ऑफ ऑल किंगडम एक्सेप्ट मोनेरा, ये भी सही है क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर क्या होता है कि एटीपी का फॉर्मेशन होता है, तो इसको पावर हाउस या तो किचन ऑफ द सेल कहा जाता है, तो एक मोनेरा में ये नहीं होता है, ऑल किंगडम में होता है मोनेरा के छोड़ करके, बाकी चारों जो किंगडम्स है उसमें चारों में होगा, ठीक है। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है तो इसमें मैच करने का है, ठीक है। तो देखिए यूट्रोफिकेशन, यूट्रोफिकेशन मतलब आप समझ रहे होंगे, यूट्रोफिकेशन मतलब क्या होता है कि इसमें पहले आप मिला दीजिए, पहले कौन सा सही होगा, कौन किसके साथ मैच होगा, आपके पास टाइम है पहले वो आप मिला लीजिए, उसके बाद हम बताते हैं। आई होप आप लोग से हो गया होगा क्योंकि इतना टाइम काफी है चार क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए यूट्रोफिकेशन हो जाएगा न्यूट्रिएंट इनरिच करने के लिए। सैनिटरी लैंडफिल मतलब नाम से ही समझ रहे होंगे कि जमीन को भरा जाएगा, तो जमीन को किस चीज से भरा जाएगा, तो आजकल हम लोग क्या करते हैं कि बेस्ट प्रोडक्ट को जमीन के अंदर गाड़ देते हैं जो कि बायोडिग्रेडेबल होता है उसको, तो ये चौथा नंबर ऑप्शन से मिल जाएगा। स्नो ब्लाइंडनेस क्या हो जाएगा, यूवी बीटा रेडिएशन के कारण, ज्यादातर जो ब्लाइंडनेस होता है वो यूवी रेडिएशन, यही सब अलग अलग तरह के रेडिएशन, रे के रेडिएशन से ही होता है, तो इसका ऑप्शन सही हो जाएगा यूवी बीटा रेडिएशन। और झूम कल्टीवेशन, ये भी आप सबसे आसान क्वेश्चन, आई होप ये 12 क्वेश्चन में से यही होगा कि झूम कल्टीवेशन किस चीज से बिलोंग कर रहा है, तो डिफॉरेस्टेशन से बिलोंग कर रहा है। नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स रिप्रेजेंट इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप्स इन ह्यूमन। अब इसमें से जो पांचों कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से कौन कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक्स है जो कि इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन्स को इंडिकेट करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक है जो उसको रिप्रेजेंट करता है कि ब्लड ग्रुप हम लोग में कैसे है, ठीक है। तो आपके पास टाइम है, आप पहले बता दीजिए कि कौन कौन सा होगा, जो भी होगा वो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए, कमेंट बॉक्स में दे दीजिए। पांच कैरेक्टरिस्टिक्स है, इसमें से कौन कौन सा है जो ह्यूमन ब्लड ग्रुपिंग में, इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुपिंग में यूज किया गया है। तो इसमें से देखिए सही ऑप्शन क्या होगा, डोमिनेंस, उसके बाद कोडोमिनेंस और फिर मल्टीपल एलेलिज्म, ठीक है। तो अब ये चारों कैसे होगा, ये चारों का हम डिस्क्रिप्शन दे देते हैं। देखिए डोमिनेंस क्या है कि देखिए अगर आई ए और आई नॉट आ जाता है तो इसमें ए डोमिनेंस हो जाता है, या आई बी आई नॉट आ जाता है तो क्या आई बी डोमिनेंस हो जाता है। कोडोमिनेंस कैसे हो जाएगा, जो ब्लड ग्रुप ए बी है, आई ए आई बी, तो देखिए दोनों ही कंप्लीटली डोमिनेंस है एक दूसरे पर इसका, क्योंकि रिजल्ट क्या आता है, ए भी आ जाता है। मल्टीपल एलेलिज्म किस तरह से हो जाएगा कि इसमें देखिए तीन एलील का यूज किया जा रहा है, किस चीज के लिए, सिर्फ ब्लड ग्रुपिंग के लिए, जैसे आई ए का यूज किया जा रहा है, आई बी का यूज किया जा रहा है, आई नॉट का यूज किया जा रहा है। अब ये तीनों को मिला करके सिर्फ क्या बन रहा है, सिर्फ एक ब्लड का ही फॉर्मेशन हो रहा है, ब्लड का ग्रुपिंग किया जा रहा है। तो ये तीनों कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट मीन फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड, इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द इनहेरिटेंस ऑफ ब्लड ग्रुप इन ह्यूमन। कौन कौन सा हो जाएगा, डोमिनेंस हो जाएगा, कोडोमिनेंस हो जाएगा, मल्टीपल एलेलिज्म हो जाएगा, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 11 है, कन्वर्जन ऑफ मिल्क कर्ड इंप्रूव इट्स न्यूट्रिशन वैल्यू बाय इंक्रीजिंग अमाउंट ऑफ। इसके लिए आपको बस 5 सेकंड का टाइम मिलेगा, आप जल्दी से बता दीजिए कौन सा हो जाएगा, जो कन्वर्जन ऑफ मिल्क टू कर्ड, यानी मिल्क से अगर दही हम लोग बनाते तो उसमें से न्यूट्रिशन वैल्यू में कौन सा चीज का इंक्रीजमेंट होता है, बिटवीन डी का, बिटवीन ए का, बिटवीन B12 का या बिटवीन ई का, बिटवीन डी का, बिटवीन ए का, बिटवीन B12 का या बिटवीन ई का। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बिटवीन B12 का। क्या करता है कि लैक्टोबैसिलस जो होता है वो मिल्क को क्या करता है कि कर्ड में चेंज कर देता है, और उसका जो एसिड जो प्रोड्यूस करता है उसके कारण क्या होता है कि कॉगलेट होकर के मिल्क प्रोटीन डाइजेस्ट होकर के कॉगलेट हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद क्या करता है कि वो हम लोग का न्यूट्रिएंट्स में बिटवीन B12 का वैल्यू इंक्रीज कर देता है, ठीक है। हम लोग के न्यूट्रिएंट्स जो भी होते हैं उसमें न्यूट्रिएंट्स में इंक्रीज विटामिन B12 इन आवर न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग है, जो कि बहुत ही कंफ्यूजिंग है, इसमें सब कंफ्यूजन होते हैं, सेमी ल्यूनर वाल्व तो सब याद रखता है, ठीक है। तो पहले आप बता दीजिए कि इसमें से कौन सा सही होगा, ट्राई कस्पिड वाल्व किसके साथ मिलेगा, वाई कस्पिड वाल्व किसके साथ मिलेगा, और सेमी ल्यूनर वाल्व किसको सराउंड करता है, किसके कौन से दो पाइप्स के बीच का ये वाल्व है, जल्दी से बताइए, 10 सेकेंड का टाइम है, ठीक है। सो गाइस टाइम आपका खत्म होता है। सेमी ल्यूनर वाल्व किस चीज का होगा, तो सेमी ल्यूनर वाल्व आप याद कीजिए कि जो हर्ट का इस तरह से जो फिगर था, ठीक है, यहां पर से ऑर्टा निकला है, ठीक है। तो ये जो यहां पर का जो वाल्व है इसको सेमी ल्यूनर वाल्व कहते हैं, ठीक है। तो देखिए ये क्या पल्मोनरी आर्टरी यहां पर से निकला है, तो इसका ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड हो जाएगा, बिटवीन राइट वेंट्रिकल टू पल्मोनरी आर्टरी, दैट मीन्स ये इसके साथ मिलेगा। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड में कि ये कौन सा होगा, तो सिंपल समझिए राइट जो होता है वो हम लोग का राइट ऑर्गन कोई भी होता है तो ज्यादा मजबूत होता है, ठीक है। तो उसके लिए क्या एक साथ एक का नहीं दो का नहीं तीन का जरूरत पड़ेगा, तो राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल की ओर जो
वेल्व है वो है ट्राइकस्पिड वेल्व, ठीक है, और बाइकस्पिड वेल्व लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल तक का होगा। तो देखिए आसानी से समझने के लिए, याद रखने के लिए बस इतना समझिए कि राइट ऑर्गन जो होता है वो ज्यादा मजबूत होता है, तो उसको तीन का जरूरत पड़ेगा ट्राइकस्पिड वेल्व का, और लेफ्ट ऑर्गन जो होता है वो हम लोग का थोड़ा वीक होता है, लेफ्ट के अपेक्षा में स्लाइटली थोड़ा वीक होता है, तो उसके लिए वहां पे बाइकस्पिड वेल्व का जरूरत पड़ेगा और सेमी लूनर वाल्व ऑर्टा में जुड़ेगा। सो गाइस अगर वीडियो अच्छा लगा हो और आपके सारे क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं तो जरूर लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए, साथ ही साथ आपका जो मार्क्स ऑब्टेन हुआ है वो आप कमेंट में दे दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।